पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,835 वोटों के अंतर से हराया। ममता बनर्जी को 85,263 वोट मिले, वहीं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 26,428 वोट मिले, जबकि सीपीएम कैंडिडेट श्रीजीव को मात्र 4,201 वोट मिले। जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस जीत के लिए सभी को धन्यवाद देती हैं। भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर हैं, सभी ने मुझे वोट दिया। ममता बनर्जी ने इस दौरान केंद्र पर निशाना साधा, कहा कि इतने छोटे से विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, हमारे खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने नंदीग्राम में मिली हार का जिक्र किया और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ इसे लोगों ने देखा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा है कि इस मुकाबले की मैन ऑफ द मैच वे खुद हैं, अभी लंबी उम्र पड़ी है, वे लड़ाई जारी रखेंगी। टिब्रेवाल ने कहा कि कल मैंने सुना कोई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि जब कोई मैच होता है तो एक टीम जीतती है एक हारती है। मान लीजिए कि ये एक मैच था, जरूरी नहीं है कि जीतने वाली टीम का ही खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच हो, तो इस गेम की मैन ऑफ द मैच मैं हूँ, ये मैंने साबित किया। उस गढ़ में जाकर इलेक्शन लड़ा पूरे साहस के साथ और 25,000 वोट मुझे मिले हैं। उन्होंने ममता को जीत की बधाई दी है। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा है कि मैं हार स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ। वो लोग कह रहे थे कि ममता 1,00,000 वोट से जीतेंगी, लेकिन उन्हें लगभग 50,000 वोटों से जीत मिली है। मैं ममता बनर्जी को बधाई देती हूँ, लेकिन वे जिस तरह से चुनाव जीती हैं उसे सभी लोगों ने देखा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उपचुनावों की मतगणना के दौरान या उसके बाद जीत का जश्न ना मनाया जाए, ना ही कोई जुलूस निकाले। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने ममता सरकार को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने इस पर भी नजर रखने को कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा ना हो। हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ता दीदी की जीत का जश्न मनाते दिखे। भवानीपुर ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ये सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें उनके ही सलाहकार रहे शुभेंदु अधिकारी ने बेहद ही नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था। सीएम बने रहने के लिए भवानीपुर उपचुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। टीएमसी के विधायक सुवनदेव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर पर जीत हासिल की थी, लेकिन ममता के लिए उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।